एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं एक ब्राउनी लाई हूँ जो हेल्दी है और उसमें कोई भी ना आर्टिफिशियल शुगर नहीं है। तो आपको मैं ये बताऊँ, ये मिक्स बेरीज हैं, ये भी ऐसे शुगर कोटेड नहीं है, मिक्स बेरीज हैं। ये डार्क चोको चिप्स हैं, डार्क चॉकलेट वाले। ये बेकिंग पाउडर है। जो भी मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ना, ग्रामेज में मैं इनका इंग्रेडिएंट्स मैं लिखूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये पीनट बटर है, ये भी अनस्वीटेंड है। कोको पाउडर है, बनाना है 115 ग्राम के करीब हमने ये पका हुआ बनाना लिया है। इनके साथ हम ये बढ़िया सी ब्राउनी, टेस्टी सी ब्राउनी, हेल्दी ब्राउनी बनाने वाले हैं। तो केक टिन को हम ग्रीस कर लेंगे पहले और फिर इसको बनाएंगे। बनाना को हमने छील लिया है और इनको ऐसे फॉक की मदद से ना हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो पहले हम कोको पाउडर में ये बेकिंग पाउडर डाल देंगे और ऐसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से मिक्स कर लें आप। और जो मैश किया हुआ बनाना है ना, इसके अंदर हम ये डाल देंगे, ठीक है। फिर डालेंगे इसमें पीनट बटर। यकीन मानिए, ये बहुत बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छी बनती है। जब भी आप इसको बच्चों को कुछ हेल्दी देना चाहें, बाहर का नहीं देना चाहें, तो ये आप घर में बनाइए और दीजिए। इनको मिक्स करेंगे हम। हमने इसको मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे दूध। हाफ कप मैंने लिया है, लेकिन हम अंदाजे से डालेंगे कितना इस्तेमाल होगा, और धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे और इसको, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। देखिए, अभी बहुत थिक लग रहा है ना, तो केले पे भी डिपेंड करता है। कुछ केले जूसी होते हैं, इलायची केला टाइप है, तो थोड़ा स्टिकी है। उस हिसाब से हमें इसमें दूध का, केवल दूध का ध्यान रखना है, बाकी सब हमने मेजर करके लिया है। तो आपको बस देखना है कि कैसे, मैं आपको दिखाऊंगी जब ये तैयार हो जाएगा कि किस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, है ना। और ये जो बेरीज है ना, ये डाल देंगे हम इसमें। इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ डार्क चोको चिप्स, डार्क चॉकलेट वाले चोको चिप्स डाल देंगे, कुछ हम गार्निश करने के लिए रखेंगे, और इनको भी मिक्स कर देंगे। तो ये जो मीठापन आएगा ना, ये बेरीज का ही है, और हमने कोई भी ऊपर से ऐसे चीनी नहीं डाली है हेल्दी बनाने के लिए। इसको हमने इसे डिश को ग्रीस कर लिया है और अब हम देखिए ऐसे इसमें डाल रहे हैं, और आप देख रहे हैं ना कि कैसे ये गिर रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लोई भी नहीं है और थिक भी नहीं है ना। तो हमारा आधा कप मिल्क लग गया है, उससे थोड़ा सा कम लगा है। और आप यहाँ देखिए, कोई भी आटा यूज़ नहीं किया है, आप देख रहे हैं। और वीगन कर सकते हैं इसको, अगर आप इसकी जगह आलमंड मिल्क यूज़ करें। अब हम ऊपर से डेकोरेट कर देंगे ये चोको चिप्स से, और 160 डिग्री पर ये ओवन हमने प्री हीट किया है 15 मिनट्स के लिए। छोटे ओवन को आप 180 पर कर सकते हैं, ये बड़ा ओवन है, और 20 to 25 मिनट में ना ये पक जाएगा। तो रखते हैं इसको ओवन में। अब हम ओवन में रखेंगे 25 मिनट्स पे, हमने सेट कर दिया है, 15 मिनट्स हमने इसको प्री हीट कर लिया है। और ये देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। बहुत मीठा नहीं होगा, जो बहुत मीठा खाते हैं उनके लिए नहीं है, बट जिनको खाना है ना कि मीठा भी खाना है और हेल्दी भी खाना है, तो बेस्ट ऑप्शन है। और ये देखिए, हमने इसको 25 मिनट के बाद अवन से निकाल लिया है, और मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। और ये ना देखिए मेल्ट हो गए हैं, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये मेल्ट हो रहा है, देखिए ये ऐसे। बट डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये जो मेल्ट हो गई है ना, तो अभी हम इनको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ऐसी ही शेप में रहेंगी, इतना ही सुंदर लगेगी। तो हम फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अब हम इसको कट करने के निशान लगा रहे हैं, और आपको पता है ना, ये ठंडा होने के बाद हम कट कर रहे हैं। और ये केक की तरह ऐसे स्पॉन्जी नहीं होती है, जो ब्राउनीज होती हैं वो थोड़ा गुई होती हैं, फजी। और बस प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। देखिए लग रहे हैं ना बढ़िया पीसेस, तो कितने अच्छे हैं। कितने सुंदर पीस लग रहे हैं,
यानी जिनको मीठा नहीं खाना है, शुगर है, आप ये एक इस तरह से ले सकते हैं, देखिए, है ना लवली? करेंगे ट्राई? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।